चलो हम लोग फिर से चलते हैं, फिर से निकलते हैं। चलो देखो सामने, चलते हैं। आज आपका सेकंड गेट में हम लोग के लिए शुक्र का वेट कर रहे हैं, और अभी हम लोग को फिर से निकलना है, फिर से दुर्गा पूजा देखना है कि और कौन कौन जगह हम लोग आज कवर कर सकते हैं। तो चलो रखते थे, लेट्स गो। या लेट्स गो, लेट्स गो। बाद में फिट चेक कराएंगे, बिकॉज अभी नहीं कर सकते। सो या बाय। यहाँ से आज मैं शुरुआत करूँगी दुर्गा पूजा का परिक्रमा। और हाँ, आई हूँ मुलालापुरा करके एक जगह है, वहाँ पर सेकंड क्रॉस में ये दुर्गा पूजा हो रहा है। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं माँ को यहाँ पे कैसे सजाया है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा ग्राउंड है, और जो लोग बेंगलोर में रहते हैं उनको तो पता ही होगा न्यू होराइज़न करके जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, सिर्फ वो इंजीनियरिंग कॉलेज का जो ग्राउंड है उस ग्राउंड में ये पूजा हो रहा है। तो मेरे ख्याल से मैंने शायद इस बार पहली बार आई हूँ यहाँ पे दुर्गा पूजा देखने के लिए, और मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत बड़ा ग्राउंड भी है, और अंदर चलते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारा स्टॉल भी लगा हुआ है। आज शुभप्रकाश मेरून कलर का कुर्ता पहने हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि माँ को कैसे यहाँ पर सजाया गया है। यहाँ पर संधि पूजा का तैयारी चल रहा है। 108 दिया यहाँ पे जलाएंगे सब, और देखिए प्रिपरेशन चल रहा है। तो यहाँ पे शुरू हो गया संधि पूजा, और देखिए 108 दिया सबने मिल के जला रही है। देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, और ये बहुत ही खास समय होता है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ ये दिखाने के लिए। तो संधि पूजा देखने के बाद अभी हम लोग आ चुके हैं व्हाइट फील्ड में। यहाँ पर पूर्वा बेंगलोर कल्चरल एसोसिएशन ने दुर्गा पूजा मनाया है, और यहाँ पे दशहरा भी सेलिब्रेशन हो रहा है। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं कि कैसे माँ को यहाँ पे मूर्ति को कैसे सजाया है। सो यहाँ पर भी बहुत ही अच्छी तरह पूजा हो गया है ऑलरेडी। यहाँ पे देखिए दिया जल चुका है, और अभी मैं कोशिश कर रही हूँ दुर्गा माँ को दिखाने के लिए। ये है डाकिर शज। सो डाकिर शज में इसको सजाया गया है, और देखने में बहुत ही सुंदर है। और ऐसे पूजा होता है पूर्व बंगाली एसोसिएशन के द्वारा।
हम लोग आ चुके हैं खगदसपुरा में। खगदसपुरा बेंगल एसोसिएशन 16th दुर्गा पूजा, सार्वजनिक दुर्गा पूजा मना रहे हैं और कितना सुंदर मनाया गया है और डेकोरेशन भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे त्रिपुरा मंडली बेंगलुरु प्रेजेंट कर रहे हैं 15th सार्वजनिक दुर्गा उत्सव। और ये है दुर्गा माँ, स्लेट कलर का है ये पूरा मूर्ति और बहुत ही सुंदर देखने में है। इसका काम भी अच्छी तरह हुआ है, ऊपर भी अच्छा डेकोरेशन किया गया है और इसका कॉम्बिनेशन वाइट और स्लेट का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं मन्नत टेक पार्क में। मन्नत टेक पार्क में मैनफो जो है यहाँ पर बेंगली एसोसिएशन के द्वारा दुर्गा पूजा मनाई जा रहे है। अंदर चलते हैं और देखते हैं कि मूर्ति को कैसे सजाया है। और हाँ, काफ़ी सारा स्टॉल यहाँ पे है और धीरे धीरे आगे चल के देखते हैं कि दुर्गा माँ को कैसे सजाया है। बहुत दिनों के बाद लोपामुद्रा मित्रों का लाइव परफॉर्मेंस देख रही हूँ और ये कोरोना की वजह से तो 2 साल दुर्गा पूजा ही नहीं हुआ और बहुत सामने से लोपामुद्रा मित्रों को मैं देख रही हूँ और अच्छा लग रहा है। उन लोग का गान मुझे, सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है। अभी हम लोग आ चुके हैं हिब्बल में। यहाँ पे हिब्बल ओकतान दुर्गा पूजा मना रहे हैं और बहुत ही सुंदर एक चाला के ऊपर मूर्ति बनाया है। और जो डेकोरेशन है ये जो राजबाड़ी हम लोग देखते हैं उस राजबाड़ी की तरफ यहाँ पर डेकोरेट किया गया है। अच्छा लग रहा है, देखने में बहुत ही सुंदर है दुर्गा माँ, तो देखते रहिए। और यहाँ पर भी लाइव प्रोग्राम चल रहा है और आज आया है कैक्टस बैंड। और सिद्धू को तो सबको पता ही है, सिद्धू और पोटा ये कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इन लोगों का सॉन्ग मुझे बहुत ही पसंद है और ये लोग आए हुए हैं आज और प्रोग्राम चल रहा है और काफ़ी सारा यहाँ पे भीड़ हुआ है, लाइव प्रोग्राम चल रहा है, तो एंजॉय कर रही हूँ। अभी हम लोग आ चुके हैं पैलेस ग्राउंड में और यहाँ पर आरटी नगर सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति ने दुर्गा पूजा मना रहे हैं और देखिए कितना सुंदर है और डेकोरेशन बहुत ही अच्छा है। तो अंदर चलते हैं, माँ को देखते हैं। यहाँ पे डांडिया प्रोग्राम चल रहा है और हर एक बिजी है। हम लोग धीरे धीरे आगे चल के देखते हैं। बहुत ही सुंदर डेकोरेशन किया गया है, ये बंगाली में इसको कूलो बोलते हैं और बहुत सुंदर देखने में है। माँ छोटा है बट देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे और
डेकोरेशन भी काफ़ी अच्छा है, एक यूनिक टाइप का डेकोरेशन यहाँ पे किया गया है। अभी हम लोग आ चुके हैं द बंगाली एसोसिएशन के द्वारा प्रतिष्ठित दुर्गा पूजा में, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे धुनुची नाच हो रहा है और काफ़ी रात हो चुका है, सो जस्ट इसका आप मैं दिखा रही हूँ कि कितना सुंदर डेकोरेशन हुआ है। और आई होप कि आज का पूजा हॉपिंग आप लोगों को अच्छा लगा। प्लीज़ आप लोग डू लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए और एंजॉय करते रहिए। सो आज का ब्लॉग में ही यहीं पर फिनिश कर रही हूँ, फिर मिलेंगे एक नया ब्लॉग के साथ। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। बाय।